इस साड़ी को मैं किसी पर्पस से बाय की थी। हाँ, ये लड़की पगल है पगल। बहुत जल्द हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने वाली। सही में 1 लाख हो गया मैं। अभी जस्ट मैंने एक शूट डन कर ली हूँ एंड बताओ मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। बिना फाउंडेशन, बिना बीबी क्रीम, बिना सीसी क्रीम का ये मेकअप लुक है। और अभी मैं गोल गोल घूमी हूँ ना, लिटरली मुझे बहुत तेज़ वाली चक्कर आ रही है। ये बताओ मेरा झुमका कैसा लग रहा है। सिर्फ इसे मैं 30 रुपीज़ में बाय की थी, सिर्फ 30 रुपये में। ये इतना लाइट वेट है, इतना मस्त लग रहा है ना। एंड इस आउटफिट के साथ बहुत बवाल जा रहा है। आई एम इन लव विद इट एंड इट्स माई आउटफिट। ऐसे ही घूम ले रही हूँ मैं, चक्कर चक्कर सा हो जा रहा है। तो फिलहाल चाय की चुस्कियाँ लेते हुए ना, मैंने जितने भी मेकअप के सामान इधर उधर फैलाए हैं उन सबको मैं सही जगह पे रख दूंगी। उसके बाद तो एडिटिंग करूँगी, फिर साड़ी कट करूँगी। आज के वीडियो में ना साड़ी को काट के रहूँगी, समझ जाओ। And I am super duper excited. Only 1,000 subscribers are left. Oh my goodness! उसके बाद we will be the family of 1 lakh subscribers. मन तो करे इतना चिल्लाओ, but नहीं। जब तक 1 लाख नहीं हो जाते मैं नहीं चिल्लाऊंगी, क्योंकि भाई सब मेरी खुशियों को नजर लग जाती है। और ये 99,000 पे ही अटक जाएगा, इसीलिए नहीं। ये ब्लॉग भी आप लोग को उसी टाइम मिलेगा जब मेरा 1 लाख पार हो गया रहेगा। वैसे आप लोग क्या ही नज़र लगाओगे, आप लोगों के साथ ने तो मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली तक पहुंचाया है यार। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। ओनली 1,000 सब्सक्राइबर्स, या अल्लाह, बस 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 हजरात तक हो जाए। और अभी 8:30 बज रहा है, मैं नीचे गई थी, कुछ बर्तन वर्तन थे तो मैंने मॉम का हेल्प करा दिया। एंड बर्तन वर्तन धुलने में, थोड़ा किचन विचन साफ करने में, रात में अब सिर्फ मुझे बनाना है रोटी, तो जो मैं बनाऊंगी 9:30 बजे, उससे पहले नमाज पढ़ लूँगी 9 बजे से। तो अभी 8:30 बज रहा है, तो आधा घंटा मेरे पास टाइम है। तो चलो उस साड़ी को आज कटिंग कर ही डालते हैं इस खुशी में। वैसे वो वीडियो वायरल हुआ, तभी जाके आप लोग का इतना प्यार मिला और हम लोग इतने सारे लोगों का फैमिली हम लोग एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी। तो चलो ठीक है, एक साड़ी का बलिदान तो बनता है। एंड उस साड़ी को मैं किसी पर्पस के लिए बाय की थी, बट वो पर्पस भी नहीं रहा, तो वो साड़ी भी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ, माशाल्लाह, मेरी खुशियों में नज़र ना लगे, सच बता रही हूँ, मुझे टोक लग जाता है। सो वेट, मैं साड़ी लेके आती हूँ बगल वाले रूम में। फ़ोन को ट्राईपॉड में एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोग को कटिंग बताने वाली हूँ। वैसे स्किन अच्छी लग रही है ना। हाय 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 हाय, ये लड़की पगल है पगल है। ओके, सो मैं साड़ी लेके आती हूँ, वेट। सो गाइस, एक मिनट, मेरे हाथ में बहुत कुछ है। चौक, कैंची, मेरा इंची टेप, ओके, सबको इधर रखते हैं। देखो भाई साहब, ये ली हूँ मैं अस्तर, जो कि 40 रुपये मीटर मिलता है, तो इतना तो हमें इस साड़ी में लगाना पड़ेगा, क्योंकि साड़ी का जो कपड़ा होता है ना, वो मतलब उस टाइप का कपड़ा नहीं होता है जो कि बिना अस्तर का बन जाए। बिना अस्तर का सिर्फ प्योर कॉटन बनता है। इसके अंदर भी अस्तर डाला हुआ है। इसके अंदर मैं 3 लेयर का अस्तर डाली हूँ, क्योंकि ऊपर में नेट है, बीच में क्रेप है और अंदर में कॉटन का अस्तर है। ओके, सो दिस इज द साड़ी। एंड ये बिल्कुल मेरी दादी का, मेरी नानी का, मेरी काकी का नहीं था। इस साड़ी को मैं किसी पर्पज से बाय की थी। एंड ठीक है, वो पर्पज भी बताया जाएगा बाद में आपको, बट ये साड़ी बहुत वैल्यूएबल है, इसको बहुत कीमती बोल सकती हूँ मैं। बट कोई बात नहीं, जब वो कुछ चीज़ें ही नहीं रही तो फिर इसकी भी कोई छोड़ो, हटाओ, आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो इसको मैं कट करने जा रही हूँ। थोड़ा सा दिल में बहुत दुख दर्द सा हो रहा है यार। कैसे कैसे चलाऊंगी मैं इस पर। चलो कोई बात नहीं, चला ही देते हैं। ओके, सो मैं इसका आंचल पहले आपको दिखाती हूँ, ठीक है, मतलब कि देखो इस टाइप का है, तो ये ना जाएगा यहाँ पे इस टाइप से, लाइक, ठीक है। तो आंचल जैसे कि रेड कलर का है और साड़ी पूरा ब्राउन कलर का है, या इतने में बॉडी आ जाएगा इसका। एंड बॉडी के अंदर हमें अस्तर डालना होता है, तो ये रहा अस्तर। बाकी नीचे जो भी फ्रॉक का फ्लेयर वगैरह बनेगा उसमें अस्तर नहीं जाएगा,
तो हाँ, सबसे पहले ना मैं इस साड़ी के सबसे लास्ट पॉइंट पे ना पैजामा कट कर लूंगी, क्योंकि मुझे ना इसका बनाना है इसी टाइप का फ्रॉक जैसे मैं फ्रॉक पहनी हूँ, बट ऑब्वियस सी बात है ये इतना घेर में नहीं बन पाएगा क्योंकि मेरा फ्रॉक ही है सिर्फ 6 मीटर का और ये पूरा साड़ी ही 6 मीटर है, तो इसमें हमें पैजामा भी पैंट भी बनाना है जो कि स्ट्रेट पैंट है और उसके बाद फिर हमें फ्रॉक स्टिच करना है। तो इधर से क्या करूँगी ना, मैं इधर से फोल्ड करके सबसे पहले मैं पिजामा के लिए कपड़े काट लूँगी, उसके बाद तब फिर मैं स्लीव के लिए कपड़े निकाल लूँगी, फिर मैं ऊपर का पार्ट कट करूँगी, सबसे लास्ट में मैं ये घेरा कट करूँगी। लाइक घेरा में जितना भी कपड़ा होगा 2 मीटर 1.5 मीटर नहीं 1.5 मीटर में तो नहीं होगा, 2 मीटर 2.5 मीटर 3 मीटर जितने भी कपड़े बचेंगे उसका हम लोग फ्लेयर बना देंगे। सो लेट्स गो और करते हैं फटाफट से। हाँ, अस्तर जब भी आप लोग बाय करना ना तो इसको पानी में सोक करने के लिए रख देना, सोक करके अच्छे से निचोड़ के इसको सुखा लेना और तब इसको आयरन कर लेना। तो निचोड़ के मैं सुखा तो चुकी बट इसको आयरन नहीं की, तो अभी मैं करूँगी इसको आयरन। आयरन करने के बाद तब फिर मैं इसको कटिंग करना शुरू करती हूँ, ठीक ना। तो जैसा तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि साड़ी को कट करके मैं फ्रॉक बनाने वाली हूँ, बट यार इसकी चौड़ाई उतनी भी मुझे नहीं लग रही थी जिससे कि मतलब ऊपर का बॉडी रेड वाले में आ सके, तो रेड वाले को मैं काट करके ना साइड से निकाल दे रही हूँ। अब जो फ्रॉक बनेगा वो पूरा का पूरा ब्राउन कलर में बनेगा, तो रेड वाले को ना मैं इस तरीके से कट करके निकाल दे रही थी। इसको काट रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल पर छुड़िया चल रही है, मेरे दिल पर कैंची चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। मैं मेज़रमेंट ले रही थी तो नहीं हो रहा था, तो फिर मैं सबसे पहले ना सलवार की कटिंग की हूँ। देखो अगर आप लोग को एक साड़ी में फ्रॉक बनाना हो ना, सबसे पहले अपने पिजामा ही कटिंग कर लेना, वो वाला सलवार मत बनाना, स्ट्रेट पैंट बनाना, क्योंकि स्ट्रेट पैंट कम कपड़े में बन जाता है, 1.5 मीटर में आराम से बन जाता है स्ट्रेट पैंट। तो इस तरीके से सबसे पहले स्ट्रेट पैंट की कटिंग करके ना उसको साइड कर लेना ताकि आपको एक कपड़े का अंदाज़ा मिल सके। मियानी ज़रूर से लगाया करो अपने पैंट में, इससे क्या होता है कि पैंट आपका फटेगा नहीं। आप कैसे ही बैठो, उछलो कूदो फांगो जो करना है करो। उसके बाद सबसे पहले पैंट कटिंग करके मैं साइड कर दी। उसके बाद ना अब क्या करना है कि सबसे पहले अपना बॉडी कट करना, जो ऊपर का बॉडी होता है उसको कट कर लेना। तो पता है मैं रेड वाला जो अस्तर ली थी ना उसको मैं इसके अंदर ही लगा दूंगी, पता नहीं चलेगा, कपड़ा गफ हो जाएगा क्योंकि ये डार्क कलर है तो उतना पता नहीं चलेगा। अब ये मैं बॉडी निकाल रही हूँ, लाइक बॉडी नहीं सॉरी, ये मैं फ्रॉक निकाल रही हूँ। फ्रॉक का जो ये घेर है, जो नीचे का फ्लेयर रहेगा वो निकलेगा। तो इस तरीके से मैंने इसका कटिंग करके इसको निकाल दी हूँ। एंड स्लीव मैं पहले ही निकाल ली थी, स्लीव में इसको भी लगा सकती हूँ, चाहे तो रेड वाले को भी लगा सकती हूँ। नहीं नहीं, स्लीव के लिए मैं इसमें से कपड़े निकाल ली थी तो मेरा हो गया था। तो यहाँ पे पूरा पूरा जो कटिंग है सो ऑल डन है, अब स्टिचिंग दूसरे वीडियो में। फ्रॉक का जो है वो कटिंग हो चुका है, रेड वाला का ऊपर का नहीं बन पाया, तो पूरा फ्रॉक ब्राउन कलर में ही बनेगा। और अभी मैं लेके आ गई हूँ अपना लैपटॉप, बिकॉज मैं देखी हूँ कि 99,400 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो मैं ना थोड़ा सा अपना चाहती हूँ कि उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है मुझे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, दिल बहुत घबरा सा रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से। लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। क्यूटीज इधर लाइव अपडेट में छोड़ के जा रही हूँ और मैं ना अपना कैमरा ऑन कर दूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, इशा का टाइम हो रहा है एंड इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ते पढ़ते तक ये 1 लाख हो जाएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग। तो और मैं इंतज़ार में भी नहीं बैठी रह सकती हूँ कि अगर नहीं हुआ तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। 9 बज रहा है तो इशा का टाइम हो चुका है, तो उससे बेहतर है कि नमाज़ अदा की जाए और लाइव आप लोग देख लो। मैं कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग ऑन करके जा रही हूँ। आई एम हैप्पी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, आप लोग के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं था। आई एम रेडी फॉर नमाज और अभी ये जो सब्सक्राइबर्स है वो 99,594 हो रहा है, तो आप लोग देखो अब मैं जा रही हूँ 99,600 हो गया। अच्छा आ जाओ, ये सब्सक्राइबर्स बढ़ने का जो सफ़र आप लोग को दिख रहा है ना, इस सफ़र के लिए मैं पिछले 4 साल से बहुत इंतज़ार की थी। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी हमारा 1 लाख का फैमिली हो जाएगा, लेकिन मेरी कुछ बचकानी हरकतों की वीडियोस और कुछ ऊटपटांग वीडियोस आप लोग को इतने ज़्यादा पसंद आ गए, आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत उस पर दिखा दी, इतना ज़्यादा प्यार उस पर दिखा दिया कि हम लोग 1 लाख की फैमिली इतनी जल्द
आ गए हैं, अपने हाथ में ले लिया मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पता है अब मेहनत और ज़्यादा दुगना करना चाहती हूँ मैं। अभी तो रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के महीने में मैं एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं करती हूँ, सिर्फ इबादत को छोड़ करके। कुछ वीडियोज़ मैं पहले से शूट करके रखी हुई हूँ शॉर्ट्स के लिए, लेकिन उसको एडिटिंग तक का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। एंड व्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी था। मेरा सफ़र जहाँ से मैं शुरू की थी ना, मैं 4000 के फ़ोन से शूट करना शुरू की थी, मुझे याद है। जो लोग मतलब बताऊंगी मैं बाद में, अभी ये सफ़र देखो। 99,864 बहुत जल्द हम लोग 1,00,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने वाले हैं एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। तो मैं लाइव काउंटडाउन शुरू कर चुकी हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। आप लोग नहीं होते तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं था, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बस जल्दी से 1,00,000 हो जाए, वेटिंग फॉर दैट। आई एम हैप्पी, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। 12, 13, 99,915 पागल हो जाओगी। 16, पता रह रहे कि वाई ही काम करना बंद कर जा रहे हो, और बस इसी बात का मुझे ये है कि जैसे 1,00,000 को वैसे वाईफाई ना डिसकनेक्शन नहीं ले ले। या मेरे अल्लाह, 99,916 पे फिर से अटक गया। ओह जल्दी से हो जाए, थोड़ा और कैमरा डाउन करती हूँ। 52, 99,952, 53, जल्दी जल्दी आओ यार, इतनी देर से वेट कर रही हूँ मैं, बहुत देर से वेट कर रही हूँ मैं। 53, कहाँ चली गई तुम? 55, 85, 15 और देख, मेरा बहुत धक धक सा हो रहा है। 86, 14 और 89 तो शो कर रहा है, बट मुझे लग रहा है इससे ज्यादा। हाँ, 99,999 आ जाए यार, हो गए होंगे पक्का। 1,00,000 हो गए होंगे, 1,00,000 हो गए होंगे। 1,00,002 finally we are the family of 1,00,000 subscribers. 1,00,003 subscribers, we are the family of 1,00,003 subscribers. देख रहे हो as you can see, देख पा रहे हो मुझे। I can't even describe. Finally we did it. और अब तो जर्नी शुरू हुई है।
अब हमारी जो असल जर्नी थी वो अब शुरू हुई है यहाँ से। फाइनली वी डिड इट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा। शायद आप लोग को, आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उन लोग का 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो रहा है या फिर, लेकिन ये मेरे लिए बहुत खास था। थैंक यू। इसलिए इस मोमेंट को मैं कैच करने के लिए दो दो कैमराज यहाँ पे लगा के बैठी हूँ। बट मेन टाइम पे थोड़ा सा मेरा वाईफाई इधर उधर हो रहा था, मन तो हो रहा था पटक डालू इसको। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे खुशी के मौके पे ऐसा दुख वाला बात नहीं बोलूंगी। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। तो गाइज ऐसा रोई हुआ है कि मेरा डार्क सर्कल आ गया बाहर। चलो घर में थोड़ा सबको बताते हैं। वैसे सब्सक्राइबर का मतलब कोई समझता भी नहीं है मेरे घर में, मगर देखो ना कुंडी वंडी लगा के मैं बैठी पड़ी थी। चलो अपनी तरफ से सबको बताते हैं, देखते हैं पता है कि नहीं किसी को। लेट्स गो। कहाँ बर्फत? अरफात यही तो रोल। मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर से जायद क्या दोगे? मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर से जायद क्या दोगे? मेरा अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाता है तो तुम लोग मुझे क्या दोगे? बताओ जल्दी। पार्टी दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा? तुम लोग दोगे हमको? हाँ दे देंगे, खा देंगे। तो ना क्या ना रे जीत के भी पागल। अरे सलाम पवाल चीज है अभी तुम लोग क्या बोले हो, इसीलिए हम कैमरा खोल के रिकॉर्ड किए। हम लोग चेक कर रहे हैं, लड़के को विश्वास नहीं है। सही में ना हो रहा है बे। ओ भाई सही में 1 लाख हो गया बे। रुक तो इसको काट के देखते हैं कटता है कि नहीं, यहाँ से एडिट होता है कि नहीं। अरे ओरिजिनल है भाई। कितना रुपए देके बढ़वाया? सुनो ना, केक मिलेगा अभी? हाँ कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मोगनीज़। ओके ओटीज। तो थोड़ा सा इमोशनल होने के बाद रात का 10:30 बज रहा था, मैंने अपने भाइयों से पूछा तो उन लोगों ने बोला कि हाँ केक मिल जाएगा। तो वो लोग अभी इसी वक्त गए हैं केक लाने को, तो आ जाएगा। तो देखते हैं आज कट करते हैं कि कल कट करते हैं, क्योंकि मैं सोची कि अपनी एक आध दोस्तों को बुला लूँगी। एंड आई एम हैप्पी। और बहुत जल्द अभी इसके आगे भी बढ़ना है, अब हमें आगे आगे और कदम बढ़ाना है और ज़्यादा मेहनत करना है और आगे बढ़ते रहना है। ऐसे रुकना नहीं है कि हाँ भाई सब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए तो अब रुक जाते हैं, नहीं रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और 0 से 1 लाख का मेरा सफ़र बहुत मुश्किल था, 4 साल लगे हैं मुझे, लेकिन 40,000 से 1 लाख का जो सफ़र था वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने मेरे ख्याल से 1.5 महीने में पूरा की हूँ मैं। और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग के साथ की वजह से हो पाया है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। या अब केक वेक आता है तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बाय। केक तो आज मिलने से रहा नहीं, क्योंकि केक के दुकान में गया तो वो बोला कि यार नॉर्मल केक क्यों लोगी, थोड़ा सा यूट्यूब का लोगो वोगो बनवा करके ले लो, ऑर्डर करके थोड़ा सा महंगा ही पड़ेगा बट एटलीस्ट ले लो, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो मैं बोली चलो ठीक है ले लो। अभी पेमेंट तो पहुँचे नहीं है यूट्यूब से बट खर्चा भी से शुरू हो गया है। तो मैं बोली चलो ठीक है खुशी का टाइम है ले लो। तो उन लोगों ने ऑर्डर दिया तो कल केक जो है वो रिसीव होगा। एंड आई एम हैप्पी, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। सो या इस ब्लॉग को बस यहीं पर एंड करती हूँ, कल वाला ब्लॉग फिर से शुरू करूँगी क्योंकि ये ब्लॉग मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा। सो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करना। बाय बाय।